नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट मिंट यानी भारत सरकार की जो टकसाल है, जहां सिक्के बनते हैं, वहां पर वैकेंसी निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट की, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, विज्ञप्ति जारी की है SPMCIL ने, और ये विज्ञप्ति आई है भारत सरकार टकसाल के लिए, जहां पर भर्ती किए जाएंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.igmhyderabad.spmcil.com। अगर हम बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशंस की, तो आपका फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन। फॉर्म भरने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 3 जुलाई, लास्ट डेट है 31 जुलाई, और आपका एग्जाम होगा अगस्त सितंबर में संभावित है। वहीं स्किल टेस्ट जो होगा वो होगा अक्टूबर नवंबर में। तो आपका 3 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, 31 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, और अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम होने की संभावना है। अगर बात करें वैकेंसी की, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई है टोटल 10। इनमें से 6 वैकेंसी है जनरल की, 1 है SC की, 2 है OBC की, 1 है EWS की, और इनमें से 1 वैकेंसी एक्सेसमैन की है, वहीं 1 वैकेंसी है PH कैंडिडेट की। सुपरवाइजर ऑफिसियल लैंग्वेज की वैकेंसी 1 आई है, ये आई है जनरल। अगर हम बात करें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको 8,350 से 20,470 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। ये प्री रिवाइज है, और ये सैलरी जल्दी ही आपके लिए बढ़ने वाली है, और आपकी सैलरी हो जाएगी B3 लेवल में। वहीं सुपरवाइजर ऑफिसर लैंग्वेज की सैलरी होगी 26,000 से 1,00,000 वाले ग्रेड में। अगर बात करें एज लिमिट की, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए एज लिमिट 28 से 28 साल, वहीं सुपरवाइजर के लिए 28 से 30 साल। बाकी कैटेगरी को एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और उन्हीं वैकेंसी के लिए दिया जाएगा जो उनके लिए रिजर्व है। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप ग्रेजुएट होनी चाहिए 55% मार्क के साथ, और आपको या तो इंग्लिश टाइपिंग आती हो 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, या फिर हिंदी टाइपिंग आती हो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। तो आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके 55% मार्क्स होने चाहिए डिग्री में, और आपको या तो इंग्लिश टाइपिंग आती हो कंप्यूटर पर 40 वर्ड पर मिनट, या फिर हिंदी में आती हो 30 वर्ड पर मिनट। सुपरवाइजर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और आपके पास इंग्लिश या फिर हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। यानी अगर आपने इंग्लिश में डिग्री प्राप्त करी है, तो हिंदी BA में होना जरूरी है, और अगर आपने हिंदी में MA किया है, तो आपके पास इंग्लिश में BA होना जरूरी है, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का सिलेक्शन 2 फेज में होगा। पहले फेज में होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट, ये 200 नंबर का आएगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें 50 नंबर की GK आएगी, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज भी होगी, 50 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग, 50 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज, और 50 नंबर की आएगी आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और इसमें जनरल वालों को 55%, OBC को 50%, और SST को 45% मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद होगा आपका फेज सेकंड यानी टाइपिंग टेस्ट। इसमें इंग्लिश में आपको 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, या फिर अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइप करना होगा। अगर बात करें सुपरवाइजर ऑफिसर लैंग्वेज की, तो इसके लिए आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर आएगा 25 नंबर का, 50 नंबर का आएगा जनरल हिंदी, 50 नंबर की जनरल इंग्लिश, और 75 नंबर होगी आपकी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 प्रश्न होंगे, 200 ही अंक इसके लिए आपको मिलने वाले हैं, और इसमें आपको 55% मार्क्स कम से कम लाने होंगे, क्योंकि एक ही वैकेंसी है जो है जनरल की। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो सिर्फ हैदराबाद ही बनाया गया है, और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो है वो भी हैदराबाद में ही होगा। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर 5,000 से ज्यादा होते हैं, तो आपको दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में भी एग्जाम देने के लिए बुलाया जा सकता है। फीस की अगर हम बात करें, तो फीस SC ST PH और एक्सेसमेंट के लिए है 200 रुपये, बाकी जनरल OBC EWS के लिए है 600 रुपये। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, तो हम आपको बता चुके हैं वेबसाइट पर अवेलेबल है, igmhyderabad.spmcil.com पे जाके आप वहाँ वैकेंसी में जाके फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ ही ये थी जानकारी SPMCIL की इंडियन गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद में जो भर्ती आई है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के सुपरवाइजर की, उसके बारे में। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 31 जुलाई, आप 31 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।